गया जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आए हुए करीब 200 व्यक्तियों के मामले तथा भूमि विवाद, राशन कार्ड दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन, संपत्ति बंटवारा, किसान फसल क्षति, भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, सहारा कंपनी से पैसा निकासी, राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही करनी, भूदान के जमीन को कब्जा दिलवानी, किसानों से धान खरीदने अनुकंपा के मामले सहित अन्य मामलों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच कराते हुए एक सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मानपुर अंचल के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रसलपुर के व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया कि उनकी पुस्तैनी जमीन पर मकान बनाने के दौरान दबंगों द्वारा जबरन रोका जा रहा है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी मानपुर को उक्त मामले को 7 दिनों के अंदर निष्पादित करते हुए कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जमीन संबंधी कार्ड के लिए आए थे, अवैध ढंग से मेरा जमीन को दाखिल खारिज कर कर्मचारी लोग कर दिया। किस तरह से आपका जमीन पर दाखिल खारिज किया गया? अवैध ढंग से, गलत ढंग से दूसरे के नाम पर दाखिल खारिज पीओ और कर्मचारी कर दिया। जिलाधिकारी के पास जब आवेदन दिए तो क्या बोले? जिलाधिकारी के पास आवेदन आज के लिए आज अभी लिखा लिए लिखे हैं अपना कार्य। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश यादव। इनका नाम से सारे जमीन है, ये और लोग कर्मचारी भी मिलकर सीओ सीआई सब मिलकर इनको मृत घोषित करके और इनका सारा जमीन एक दूसरे ये पूर्व में जो मेयर उपाध्यक्ष था जिला का उसके पति के नाम पे कब कर दिया और उसमें संलिप्तता इनका 5 बेटी है और 1 बेटा है। तो बेटा का भी संलिप्तता है साथ में, इनको हत्या का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इनको बहुत हम बचा के रखे हैं, हमारे पास रहे हैं, हम गाँव के आदमी हैं और यहाँ तक पहुँचाए हैं इनको जिंदा। मैंने सबूत मैंने लोक शिकायत से मिला, मुखिया दिया, सब प्रमाणित किया है, गाँव से वीडियो भी फायदे किए। सीओ साहब भी कहे कि नहीं जिंदा है, लेकिन जो उस समय के सीओ साहब थे और उस समय के कर्मचारी सीओ इनको मृत देखा कि इनका पूरा संपत्ति का दाखिल खारिज उसे के नाम पे। और जिलाधिकारी के यहाँ जो जिलाधिकारी महोदय थे वही आवेदन दे के विनती करने आए थे कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, आदेश तो मिल गया लेकिन इसके कार्रवाई नहीं होता है। अब आपसे आशा रखा जा रहा है कि आप जितना जल्द बूढ़े आदमी को जो खाने से लाचार भी है इनको राहत दें, काम करें, बच्चा न्याय मिले। मैं संजय कुमार सिलोजा का वासी हूँ।